अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नायला और आज हमने बनाए हैं चार तरह के मज़ेदार और रिफ्रेशिंग ड्रिंक और वो भी सिर्फ एक फ्रूट से। फ्रूट हमने यहाँ पे लिया है पपाया। तो चले स्टार्ट करते हैं अपने ये ड्रिंक्स बनाना। सबसे पहले हम अपना फर्स्ट वाला ड्रिंक बनाएंगे। फर्स्ट वाला ड्रिंक हम बना रहे हैं रूह अफ़ज़ा और जामेश्वरी फ्लेवर में। हमने यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जग में ऐड किया है पपाया और थोड़ा हम जामेश्वरी इसमें ऐड कर रहे हैं एक टेबल स्पून के बराबर, और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे। और शुगर आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इसको स्किप कर दें, ये फिर भी बहुत ही अच्छा बनेगा। हमने यहाँ पे थोड़ी इसमें बर्फ़ ऐड कर दी है और साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देंगे, 1 से 2 ग्लास। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। ये मज़ेदार सा ड्रिंक, रिफ़्रेशिंग ड्रिंक, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। ये देख सकते हैं आप कितना रिफ़्रेशिंग और ख़ूबसूरत और मज़ेदार सा ये रूह अफ़ज़ा और पपाया ड्रिंक रेडी है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड ड्रिंक। सेकंड ड्रिंक के लिए ब्लेंडिंग जग में हमने पपाया ऐड किया है, साथ ही हमने शुगर ऐड कर दी है। और अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं दूध 1 ग्लास। हम ये बना रहे हैं पपाया मिल्क शेक। और बस ये सारी तीनों चीज़ें ऐड करने के बाद अब हम इसको ब्लेंड कर देंगे। ये मिल्क शेक भी हमारा रेडी है और बहुत ही ज़बरदस्त बना है। ये बहुत ही मज़े का लगता है इफ्तार में और गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड वाला ड्रिंक। थर्ड वाला ड्रिंक बनाना बहुत ही आसान है। बस पपाया लिया है हमने, कटिंग किया हुआ, ब्लेंडिंग जग में हमने ऐड किया है, थोड़ी हम शुगर इसमें ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका फ्लेवर, इसमें हम फ्लेवर देंगे खट्टा मीठा। और इसमें हम ऐड करें इमली और आलू बुखारे का पानी और उसका पल्प, और इसमें खटास जो आती है बहुत ही मज़े की लगती है। ये हमारा रेडी है थर्ड वाला ड्रिंक, इमली और आलू बुखारे का फ्लेवर वाला पपाया ड्रिंक। ये बहुत ही समर स्पेशल है और बहुत अच्छा लगता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ वाला ड्रिंक। फोर्थ वाला ड्रिंक बिल्कुल ही सिंपल है। हमने यहाँ पे एक ब्लेंडिंग जग में पपाया ऐड किया है, साथ ही हमने शुगर ऐड कर दी, थोड़ा सा हमने पानी ऐड किया है, बर्फ़ ऐड की है, और अब इसको ब्लेंड कर लेंगे। सारी चीज़ें ब्लेंड हो चुकी हैं, अब हम इसे एक ग्लास में निकाल लेंगे। ये देखें इसी तरह का हमने बनाना है। ये हमारा बन गया बिल्कुल सिंपल वाला पपाया ड्रिंक, और ये हमारा बन गया इसमें रूह अफ़ज़ा वाला ड्रिंक, और ये हमारा पपाया मिल्क शेक बन गया। और साथ ही हमने जो फोर्थ वाला बनाया है वो हो गया हमारा इमली आलू बुखारे का फ्लेवर वाला ड्रिंक। एक ही फ्रूट से हमने चार ड्रिंक बनाए हैं, बहुत ही ईजी, बहुत ही मज़ेदार और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत। आप इसे ज़रूर बनाएँ, ज़रूर ट्राई करें, और प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज़।